अब भैया सब बता दीजिए। एक विया जिस विच ना ता बरात सजी, ना बैंड वाजा वजिया अते ना ही कोई नच गाउण होया। 8 दिसंबर नूं घर विच खुशियां दी शहनाई वजण ही वाली सी, पर ठीक 8 घंटे पहलां वापरे एक हादसे ने सब दी खुशी ते पानी फेर दिता। डोली विच सवार होण वाली लाड़ी स्ट्रैचर ते पई सी अते लाड़ा इस हालत विच मंगल सूत्र उस नूं पहना रहा सी। इस मौके ते सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही मौजूद सन। तारीख सी 8 दिसंबर दी। प्रतापगढ़ दे कुंडा पिंड विच आरती मौर्या दा घर बहुत ही सोहणे ढंग नाल सजाया गया सी। परिवारक मैंबर बरात दे स्वागत विच रुझे होए सन अते उहनां दे चेहरियां ते खुशी भी झलक रही सी। लाड़ी आरती मौर्या अपने लाड़े अवदेश दी बरात दा इंतजार कर रही सी। कुछ घंटियां बाद बरात आउण वाली सी। बरात दे स्वागत दीआं तैयारियां भी लगभग पूरियां हो गईआं सन। आरती दे सुपनिआं दी शहनाई वजण ही वाली सी अते ओह कुछ घंटियां बाद अपने सुपनिआं दे राजकुमार नाल विदा होण वाली सी। पर अचानक तस्वीर ही बदल गई। खुशियां वाले घर विच मातम छा गया। आरती दे परिवार दे पैरां हेठों जमीन खिसक गई। एक पल विच रंगीन तस्वीर ब्लैक एंड वाइट नजर आउण लगी। ओ बच्चा जो है बल्ली के साइड जो बंधा हुआ था, वो भागता हुआ जा रहा था, तो आसानी से उसको बुला रही थी। बच्चा आगे निकलता जा रहा था, तो उसी के पकड़ने के चक्कर में बल्ली फिसली या पैर फिसला, अब इसको ईश्वर जानते हैं। उस समय कोई छत पे था नहीं, बेटी और वही चार पोती। जो आरती साज श्रृंगार करके अपने सुपने दे राजकुमार दे घर जाने वाली सी, हुण उह स्ट्रैचर ते पई सी। जिन्हां दे चेहरे कुछ पल पहलां खुशियां नाल लाल सन, हुण उह चेहरे मुरझाए हुए सन। ये सब तो बहुत अजीब ही लगा था कि ऐसा लगा था कि अब ये शादी नहीं होगी। एक हादसे ने सारियां खुशियां ही बदल दित्तियां अते बरात आउण तो लगभग 8 घंटे पहलां सारियां नूं हैरानी च पा दित्ता। छत ते खेड रहे बच्चियां नूं बचाउण दे चक्कर च आरती दा पैर फिसलिया अते ओह छत तों हेठां डिग गई। हादसे विच आरती दी रीढ़ दी हड्डी पूरी तरह टुट गई। कमर अते लत्तां समेत शरीर दे होर हिस्सेयां नूं वी सट लगी सी। आलम इह सी कि नेड़ले हस्पतालां ने आरती दा इलाज करन तों हथ खड़े कर दित्ते। परेशान अते घबराए घर वाले आरती नूं इलाज लई प्रयागराज दे एक निजी हस्पताल लै गए। कुछ सहयोग मिलने के बाद में मुझे आश्वासन मिला कि आप इनको पीजीआई ले चलें। फिर पीजीआई शासन के द्वारा या कुछ सांसद जी के द्वारा वहां भेजा गया है, लेकिन अभी जो है अभी शिफ्ट नहीं हुई। आरती दी हालत नु वेखदिया डॉक्टर ने ए दसिया कि वो फिलहाल अपंग हो गई है अते कई महीने तक मंजे तो भी नहीं उठ सकती। इना सुनदिया ही परिवारक मैंबरां दे पैरां हेठों जमीन खिसक गई। घर दे लोकां नु लग्या कि लाड़ा विआह तो इनकार कर देवेगा, लेकिन उन्होंने बोला मैं उन्हीं से शादी करूंगा, और ये सब बहुत ही अजीब लगा था उस वक्त। आरती दे निराश परिवार ने अवदेश अते उसदे परिवारक मैंबरां नू सब कुछ दस्या। लड़की वालिया ने आरती दी छोटी भैन नाल विआह कराउण दा प्रस्ताव भी रख्या, पर अवदेश दा जवाब सुन के कुड़ी वाले हैरान रह गए। वजह कुछ नहीं थी, बस पसंद की बात है और प्यार था जो सब लोग का, और भगवान का भी लगा है कि चलो ठीक है, जो किस्मत में था मेरे नसीब में था वही मुझे मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हुआ था कि छोटी बहन के साथ शादी कर लो, मैंने मना कर दिया नहीं ऐसा नहीं है, जो है वो उनके साथ करेंगे। अवदेश ने कहा कि आरती जिस हालत विच है ओ उसनु उसी स्थिति विच अपनाउण लई तैयार है। अवदेश ने यह भी कहा कि तय समय ते ही विआह होगा। यह सुनदिया ही आरती दे परिवार वालियां दीआं अखां च हंझू आ गए। जल्दबाजी विच आरती दा इलाज कर रहे डाक्टरां नाल गल कीती गई। आरती नूं खास परमिशन नाल 2 घंटे लई हस्पताल तों घर लिआंदा गया। उसनूं स्ट्रैचर ते लम्मे पा के विआह दी रस्म कीती गई। ऑक्सीजन अते ड्रिप दी मौजूदगी विच अवदेश ने उसदी मंग च संदूर भरिया। इस मौके हाजिर हर किसी दीआं अखां नम सन। हुण विदाई दा समां वी आ गया सी। पूरी रीत नाल विदायगी तों बाद आरती अपने सहुरे घर ना जा के हस्पताल पहुंची। चोट आ गई मुझे, और उसके बाद मेरे ससुराल वाले को पता बताया गया कि ऐसी ऐसी बात है, तो फिर वो सारी व्यवस्था कर लिए थे। फिर वो बोले कि ठीक है मैं बारात लेके आऊँगी, मेरे हस्बैंड बोले।
कि जैसे भी है मैं अब शादी उन्हीं से करूँगा। हमारे बहनोई एक मिसाल कायम किए हुए हैं कि यहाँ तक कि अब तक फिल्मों में देखा जाता था कि हाँ इस तरह से किया जाता है, एक फिल्म को नाटक को दूर करते हुए रियल लाइफ में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाए हुए हैं कि हाँ मैं उसी लड़की से शादी करूँगा जिससे हमारा रिश्ता तय हुआ होगा। अगले ही दिन आरती का ऑपरेशन किया जाना सी। ऑपरेशन लिए भरे जाने वाले फॉर्म से अवधेश ने खुद हस्ताक्षर किए उसके पति के तौर पर। हमने इसमें ऑपरेशन करके हड्डी को सही किया है और स्क्रू लगा करके नसों पे से दबाव हटा दिया है और जो नसों को कवर करने वाली झिल्ली होती है ड्यूरा उसको हमने रिपेयर कर दिया है, पर जो पैरों में कमजोरी है वो तो हमारे हिसाब से 6 महीने से 1 साल लगेंगे और उसमें धीरे धीरे करके सुधार होगा। हुण हस्पताल विच दाखिल आरती नु इंतजार है कि वो जल्दी तो जल्दी ठीक हो जाए ता जो वो अपने पैरां ते तुर के अपने पति दे घर जा सके। जद भी उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है तो अवधेश उसनु हिम्मत दिंदा है अते कहंदा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सचमुच उस व्यक्ति दी जिंदगी विच सब कुछ ही ठीक रहेगा जिसनु अजिहा पति मिलिया होवे। भगवान से उम्मीद जताता हूँ कि ईश्वर इन्हें भोलेनाथ साकुशल ठीक करें और मैं अपनी बेटी की विदाई धूमधाम से फिर से कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। टू वॉच 24x7 न्यूज लाइव डाउनलोड ईटीवी भारत ऐप।